एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 9 ऑफ आवर न्यू सीरीज द इंटीरियर जर्नल। और आज का वीडियो एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, किचन डिजाइन वाला वीडियो है। सो आज हम साइट पे है और साइट पे काउंटर ऑलरेडी रेडी हो चुका है, ब्रेकफास्ट काउंटर भी बन गया है। सो आज वो देखेंगे कहाँ पर क्या आने वाला है, कौन से मटेरियल्स यूज किए हैं, सारी चीजों की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो अभी हम किचन में है और जैसे आप देख सकते हैं एक सी शेप का काउंटर है। सो सबसे पहले एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि इसकी एंट्री कहाँ से है, कहाँ पर क्या है। सो इफ एट ऑल आपने अगर प्लानिंग वाला वीडियो नहीं देखा होगा सो यू वोंट फील लॉस्ट, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्विकली मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो यहाँ से लिविंग रूम यहाँ पर है और इफ़ यू सी यहाँ पर दो ओपनिंग्स है, एक तो बड़ा ओपनिंग है जो हमने क्रिएट किया है, जिसके एग्जैक्टली सामने जो बेटी की बेडरूम है वो है, और जो छोटा ओपनिंग है वो इनिशियली नहीं था, बट इफ़ एट ऑल ये एक इंडिपेंडेंट बेडरूम जैसे यूज़ करने और ये दरवाजे बंद है तो किचन को एक सेपरेट एक्सेस होना चाहिए, इसके लिए वी क्रिएटेड दिस शॉर्टर स्मॉलर ओपनिंग। वो हो गया। नाउ यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये काउंटर यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद ये जो जगह है यहाँ पर अप्लायंसेस वगैरह आएंगे, और यहाँ पे ये जो डोर है सो ये इनिशियली सर्वेंट्स टॉयलेट था जिसको हम एक यूटिलिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो सिर्फ इसका दरवाज़ा और अंदर की चीज़ें चेंज हो जाएंगी, टॉयलेट जो है डिमोलिश हो जाएगा। अभी वी हैव रिटेन इट, एज ऑफ नाउ वी हैव रिटेन इट क्योंकि वो सब लोग यूज़ करते हैं, बाद में वो ब्रेक करके अंदर का एंड में सब कुछ चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे विंडोज़ है दो जो इनिशियली थे, सिर्फ इसके बीच में पार्टीशन वॉल थी जो अभी निकल गई है, तो विंडोज़ वैसे ही रिटेन्ड है। एंड में आप देख सकते हैं ये जो है ये डक्ट है जो थ्रू आउट द बिल्डिंग रन होता है, वो भी वैसा ही है, उसका दरवाज़ा सब कुछ वैसे का वैसा ही है। यहाँ पर अगेन कुछ चीज़ें आने वाली, वील टॉक अबाउट दैट। सो यस, इस तरीके से इस किचन का प्लानिंग है। और ये वाला जो हिस्सा है दोनों विंडोज़ के सामने यहाँ पर डाइनिंग टेबल आने वाला है। सो नाउ दैट वी हैव स्पोकन अबाउट एक ओवरऑल इसका लेआउट किस तरीके से, अब हम डिटेलिंग में बात करते हैं। सो ये जो है एग्जैक्टली ये जो बड़ा वाला ओपनिंग है उसके सामने ये काउंटर आप देख सकते हैं, और इन अ वे आइलैंड जैसे एक थोड़ा सा फ्री काउंटर, एक साइड से ऑब्वियसली अटैच्ड है, बट ये एक ब्रेकफास्ट काउंटर हमने इसको पैरेलल क्रिएट किया है। सो ये मेन कुकिंग काउंटर है, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पे हॉब आने वाला है और इसके ऊपर एक आइलैंड चिमनी आने वाली है। सो चिमनी किस तरीके से आएगी, ऊपर अगर आप सीलिंग में देखोगे तो ब्लू कलर में मार्क करके रखा है, तो वहाँ से उसका पूरा डक्टिंग जाने वाला है टूवर्ड्स द विंडो और वहाँ से उसको बाहर लेके जाएंगे। अगर डक्ट नहीं देंगे और चारकोल फिल्टर वाली चिमनी डालेंगे तो उसका सक्शन उतना पावरफुल नहीं होगा, तो उसके लिए हमने डिसाइड किया है कि हम डक्टिंग तो करेंगे। तो किस तरीके से वो होगा उसके ऊपर कल हमने डिटेल डिस्कशन किया था कि उसमें डक्ट की जो लेंथ है वो भी कम होनी चाहिए, उसके जो बेंड्स है वो भी कम होने चाहिए, तो वो थोड़ा सा एक है कि चीज़ उसको किस तरीके से करना है। सो वो पूरा हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे एक आइलैंड चिमनी आने वाली है, अगेन विद आइलैंड चिमनी। यहाँ पे स्क्रीन में आप जैसे देख सकते हैं उस तरीके से हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई शेल्फ जैसे हम कुछ ऐड करें, सो दैट उसको सस्पेंड करेंगे ऊपर से, एंड उसके ऊपर आपको कुछ आर्टिफैक्ट रखने या प्लांटर्स रखने तो वो भी आप रख सकते हैं। सो इधर इट विल कम विद द चिमनी हेयर और इस तो ब्रेकफास्ट काउंटर पे आएगा। और ये जो ब्रेकफास्ट काउंटर है लेंथ उसकी इस काउंटर के जितनी ही है और विड्थ उसकी कम है, उसको छोटा रखा है। सो यहाँ पर इसके सामने दो स्टूल्स आएंगे जो हाई स्टूल्स होते हैं वो आएंगे। सो यहाँ पर यू कैन सिट हेयर, प्रोबेबली यू कैन डू सम कटिंग चॉपिंग वर्क फ्रॉम दिस साइड, और यहाँ पे कोई कुकिंग कर रहा है तो आप फ्रेश गरम गरम खाना खाना है तो आप खा सकते हैं, या प्रोबेबली यू कैन हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन वाइल सिटिंग हियर। तो इस तरीके से इसका है और प्लानिंग किया हुआ है। नाउ ये तो कुकिंग वाला एरिया हो गया। नाउ ये जो काउंटर है, इस काउंटर में यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पर प्लाई एक्चुअली रखा हुआ है, इसके नीचे सिंक है। तो इसके पहले वाले एक एपिसोड में हमने डिस्कस किया था सिंक यहाँ पे रखे कि कहाँ पर उसका टैप आने वाला है, वो सब कुछ देखा था। अभी सिंक को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक प्लाई ऊपर से रखा हुआ है, तो ये क्लीनिंग वाला एरिया हो गया। अभी इसका जो एक्वागार्ड आने वाला है, जो वाटर प्यूरीफायर आने वाला है, वो काउंटर के नीचे आने वाला है। इसके लिए ऊपर आप नहीं देखोगे उसका कनेक्शन है, ऊपर सिर्फ जो कनेक्शन है वो गीज़र का कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए क्लाइंट ने कहा था कि उनको हॉट वाटर की लाइन भी चाहिए, तो इसके लिए वो गीज़र का पॉइंट है, वो हो गया। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर एंड में सारे अप्लायंसेस आने वाले हैं। सो ये पूरा काउंटर खाली होगा, सिर्फ हॉब आएगा, फिर दिस विल बी एम्प्टी, देन ये काउंटर सिंक छोड़ के दोनों साइड में एम्प्टी होगा, ये भी एम्प्टी होगा, एक्सेप्ट ये जो एंड वाला हिस्सा है यहाँ पर एक रोलिंग शटर आने वाला है, तो सारा जो आपका मिक्सर वगैरह जो भी है, मिक्सर ब्लेंडर जो भी लूज़ आपके अप्लायंसेस होते हैं वो आप इसके अंदर रख सकते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद ये जो हिस्सा है जहाँ पर नीचे आप फ्लोरिंग में देख सकते हैं, थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। सो वो क्यों बना है, इनिशियली जो सिंक की पोजीशन थी वो हमने जब प्लानिंग किया तब सिंक की पोजीशन चेंज कर दी, अभी सिंक वहाँ पे है, तो वहाँ से यहाँ तक उसका जो पूरा आउटलेट है, और यहाँ पर एक डिशवॉशर भी आने वाला है जिसका
इनलेट और आउटलेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर सीलिंग में इस पॉइंट के बाद संक था, पर पाइपिंग वहां से यहाँ तक लेके आते तो यहाँ पर वो उसकी हाइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर तो सिंक के नीचे का जो प्लेटफॉर्म होता है उतनी हाइट हमें इनफ हो गई, पर यहाँ पे हम चाहते थे कुछ तो काउंटर उसके लिए क्रिएट करना, तो इसके लिए वी क्रिएटेड दिस काउंटर। सो यहाँ पर फ्रिज आएगा, यहाँ पर डिश वॉशर और माइक्रोवेव वो सब आएगा, वो यूनिट आएगा। नाउ ये जो काउंटर है हमने इस तरीके से बनाया कि जो फ्रिज है, फ्रिज थोड़ा सा इससे बाहर आएगा। सो इफ़ यू सी ये जो शार्प एजेस है वो नहीं लगेंगे, फ्रिज थोड़ा सा इससे बाहर आएगा। और एक चीज़ है यहाँ पे जो फ्रिज हमने लिया है, सो जनरली फ्रिज का जो ओपनिंग होता है वो लेफ्ट साइड में उसका हैंडल होता है इस तरीके से खुलता है। मतलब यहाँ पे अगर फ्रिज है तो ओपन हम करेंगे तो जनरली सारे जो फ्रिज होते हैं वो इस तरीके से खुलते हैं, बट अगर यहाँ से फ्रिज खोलते हो आप तो अंदर से सामान निकाल के रखने के लिए यहाँ पे देयर इज नो काउंटर स्पेस। इसके लिए हमने क्या किया है, जो फ्रिज का मॉडल हमने सिलेक्ट किया है उसका डोर आप फ्लिप कर सकते हैं, बॉश कंपनी का है, उसमें डोर फ्लिप करने का ऑप्शन आपके पास है। सो बेसिकली अभी जो फ्रिज हम डोर फ्लिप करके लेंगे तो उसका डोर इस तरीके से होगा। सो आप डोर खोल के जो भी खाना आपको निकालना है वो निकाल के यहाँ पे रख सकते हो। सो आई थिंक यूज़ करने के लिए थोड़ा कन्वीनियंट है, वो बात हो चुकी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मटेरियल। सो यहाँ पर मटेरियल आप देखोगे तो इनिशियली हम चाहते थे कि एक वाइट काउंटर हो, बट वाइट विद सम डिज़ाइन। तो वाइट के ऊपर स्पेक्स वाले भी कॉर्ड्स आपने देखे होंगे, छोटे छोटे स्पेक्स होते हैं या बड़े होते हैं, पर हम चाहते थे कुछ ऐसा जिसके ऊपर थोड़े से फिगर्स हो। सो यहाँ पर इफ़ यू सी जो नीचे फिगर्स है वही थोड़े थोड़े ऊपर कंटिन्यू हो रहे हैं, तो वैसा ही हम चाहते। तो ये क्वार्ट्ज ही है और इसका थिकनेस और इसकी कंपनी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो थक गई आप मैं। सो मटेरियल इसके लिए जो यूज़ किया है, क्वार्ट्ज यूज़ किया है, और इनिशियली क्लाइंट ने कहा था कि उनको एक वाइट कलर का काउंटर चाहिए, बट वाइट विथ उसके ऊपर कुछ प्रिंट चाहिए, कुछ डॉट्स चाहिए, या इसमें आप देख सकते हैं इसमें फिगर्स है। सो उसके बारे में सारे हमने मटेरियल्स देखे कि क्वार्ट्ज में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, एंड देन वी सिलेक्टेड दिस वन, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो बैक स्प्लैश में वी हैव यूज द सेम मटेरियल, तो इसके अगर फिगर्स है ऊपर भी कंटिन्यू होते तो दिखने में और खूबसूरत दिखता है। तो इसके लिए काउंटर के ऊपर 2 फुट तक वी हैव यूज द सेम मटेरियल। आई थिंक वी रियली लाइक द वे इट इज लुकिंग राइट नाउ, मतलब कंप्लीट होने के बाद जैसे हमने सोचा था वैसे ही दिख रहा है, आई एम हैप्पी विद द मटेरियल। इवन इसका फेशिया हम जैसे चाहते थे, बहुत छोटा भी नहीं है बहुत बड़ा भी नहीं है, काइंड ऑफ प्रॉपरली कवर्स नीचे का जो सपोर्ट स्टोन है और ऊपर का जो स्टोन है, ऊपर का भी इसको जिस तरीके से शैम्फर किया है दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, स्लीक दिख रहा है, और इसको अंदर से शैम्फर करने के वजह से इवन दो इसकी थिकनेस ज़्यादा है वो उतनी ज़्यादा नहीं दिखते। और ये जो काउंटर है इसका भी डिटेलिंग जैसे हम चाहते थे कि वो थोड़ा सा फ्लोटिंग दिखे, जिसके लिए हमने कहा था कि ये जो है ये सरफेस हम चाहते थे थोड़ा पीछे हो और ये थोड़ा सा आगे हो, सो दैट यू नो ये कैंटिलीवर है और दिखने में ज़्यादा अच्छा दिखता है। सो यहाँ से भी इसी तरीके से इसको किया है, और ये जो है यहाँ पर बाहर हम जो मटेरियल लगाने वाले हैं वुडन फिनिश वाले चारकोल स्ट्रिप्स लगाने वाले, सेम मटेरियल यहाँ पर टर्न होके यहाँ तक आ जाएगा तो फिर ये पूरा फिनिश दिखेगा। और इसके ऊपर इसके नीचे से हम लाइटिंग देने वाले हैं, तो वो अगेन दैट वुड बी एन एडेड एलिमेंट, क्योंकि ये सब वाइट है तो वो वुडन दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कहाँ पर क्या आने वाला है। सो ये जो कुकिंग वाला एरिया है, हॉब है, उसके नीचे आप जैसे इमेज में देख सकते हैं 2 हिस्सों में उसको डिवाइड किया है। सो बेसिकली ऑल योर कटलरी, क्वार्टर प्लेट्स, स्मॉल प्लेट्स, बिग प्लेट्स, यूटेंसिल्स, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये जो कॉर्नर है यहाँ पर एक कॉर्नर यूनिट आने वाला है। सो सारे जो फिटिंग्स हैं हमने हैफले के लिए, सिर्फ जो कॉर्नर यूनिट है वो हमने मोड़ा का लिया है, क्योंकि हैफले का जो काउंटर यूनिट है, कॉर्नर यूनिट है, उस काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा था। मोड़ा का जो यूनिट है सिमिलर वेट कैपेसिटी है और दिखने में भी सिमिलर है, पर उसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम है, इसके लिए वी डिसाइडेड दैट वील गो अहेड विद दिस यूनिट। अगेन दिखने में वो उसका फिनिश काफ़ी सिमिलर दिखता है, तो यहाँ पे मोड़ा का कॉर्नर यूनिट आने वाला है। उसके बाद ये जो एरिया है यहाँ पर नीचे वाटर प्यूरीफायर भी लगेगा, और वाटर प्यूरीफायर के साथ यहाँ पर डस्टबिन भी आने वाला है, तो उसके लिए वी डिसाइडेड कि इसमें हम एक पार्टीशन दे देंगे, सो आपका पानी और आपका जो डस्टबिन है वो दोनों एक एब्सोल्युटली सेपरेट हो जाएगा। तो इसके लिए इसके बीच में एक वर्टिकल आएगा। उसके बाद ये कॉर्नर की हमने बात कर दी। ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हमने क्लाइंट के साथ डिस्कस किया, यहाँ पर कोई कॉर्नर यूनिट लेना है या वो जो बीम शेप्ड वाला यूनिट आता है वो लेना है। सो फाइनल डिस्कशन के बाद वी डिसाइडेड कि यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर सिर्फ हम शेल्फ देने वाले हैं एल में, तो जो भी उनके डब्बे हैं, जो भी सामान वो रखना चाहते हैं वो यहाँ पर वो आसानी से रख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे सिर्फ शेल्फ आने वाले, और ये वाला जो हिस्सा है इसको अगेन हम ड्रॉवर्स में डिवाइड करने वाले हैं, और इसको फर्दर बहुत ज़्यादा हम सेग्रीगेट नहीं करने वाले, सो दैट वो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, उनको जो भी रखना है वो काफ़ी आसानी से उसमें रख सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा उसको डिवाइड इंसर्ट्स वगैरह नहीं डालेंगे, इफ़ एट ऑल इंसर्ट्स कहीं पर डालने हैं तो वी कैन ऑर्डर द इंसर्ट्स एट अ लेटर स्टेज।
सिर्फ यहाँ पर डिवाइडर कहीं पे आने वाले रहेंगे तो वो सिर्फ जो कटलरी वाला ड्रॉवर है, 3 फुट का जो कटलरी आता है हैफले का, वुडन उसमें इंसर्ट्स होते हैं, वुडन कटलरी, दैट वी हैव ऑर्डर्ड। अदर देन दैट कहीं पर भी इंसर्ट्स वगैरह हमने कुछ ऑर्डर नहीं किए हैं एज ऑफ नाउ। अगर ज़रूरत पड़ी तो एट अ लेटर स्टेज वी कैन डेफिनेटली ऑर्डर द इंसर्ट सेपरेटली। तो ये इतना है। नाउ ऊपर का जो स्टोरेज है, तो 2 फुट के बाद ऊपर 2 फुट का अगेन स्टोरेज है, और उसके ऊपर जो डेड स्टोरेज होता है ऊपर के लेवल में, वो हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। सो इनिशियल 3D में यू मस्ट हैव सीन कि ऊपर हमने स्टोरेज दिखाया था, बट जितना स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल है नीचे वाला और ऊपर वाला, वो फिगर आउट करने के बाद वी जस्ट रियलाइज दैट दिस स्टोरेज विल बी इनफ। तो इसके लिए वी डिसाइडेड कि ऊपर वाला स्टोरेज है हम उसको कैंसिल कर देंगे, और सो यहाँ से ये पूरा स्टोरेज आएगा। नाउ यहाँ पे जो रोलिंग शटर आएगा उसकी, उसका टॉप और ये स्टोरेज का टॉप सेम है, सो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पर नाउ यहाँ पर इफ़ यू सी, ये जो ऊपर वाला स्टोरेज है इसकी डेप्थ हमें थोड़ी ज़्यादा मिल रही है, तो ये थोड़ा ये वाला जो हिस्सा होगा स्टोरेज का, ये थोड़ा डीप होगा। और एक चीज़ यहाँ पर इफ़ यू सी, हमने इनिशियल एक स्विच बोर्ड मार्क किया था जो अभी हमने कैंसिल कर दिया। सो यहाँ पर स्विचेस कहाँ कहाँ पर हैं, एक तो वहाँ से अंदर आते हैं तो इसके पीछे नीचे स्विच बोर्ड है, विल सी दैट हम वापस वहाँ पे जाएंगे तब। और सेकेंड एक स्विच बोर्ड है जहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, वो यहाँ पर अभी आपको नहीं दिखेगा, पर यहाँ पे जो रोलिंग शटर आने वाला है उसके इस फेस में एक स्विच बोर्ड आने वाला है, तो सामने से आप रोलिंग शटर देख सकते हैं और इस साइड से उसके स्विच बोर्ड आएगा जिसमें सारे कंट्रोल्स होंगे, जो दिखने में एकदम से आपको नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत बड़ा स्विच बोर्ड है, उसमें सारे आपके फ्रिज, डिशवॉशर और यहाँ के लाइट, सारे पॉइंट्स उसमें आने वाले हैं। इफ़ एट ऑल आपको बाहर कुछ अप्लायंस यूज़ करना है तो एक्स्ट्रा सॉकेट और स्विचेस भी उसमें होंगे। अदर देन दैट, क्योंकि ये लंबा स्ट्रेच है तो इसके बीच में भी एक स्विच बोर्ड की ज़रूरत थी, तो हम सोच रहे थे कि वेदर यहाँ पर एक स्विच बोर्ड दे, बट ये कॉर्नर इतना क्लीन और इतना नीट दिख रहा है कि स्टार्टिंग से ही मुझे लग रहा था कि यहाँ पे स्विच बोर्ड नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो ऊपर वाला स्टोरेज है उसके नीचे से जब हम लाइटिंग देंगे तो मुझे लग रहा था कि वो स्विच बोर्ड ही हाईलाइट होगा, एंड द स्टोन इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल, तो मुझे लग रहा था कि वो अवॉइड करना चाहिए। सो उसके लिए अभी हमने क्या डिसाइड किया है कि ये ऊपर वाला जो स्टोरेज होगा उसमें हम इस लेवल पे एक स्विच बोर्ड दे देंगे, तो सामने से जो स्टोरेज है वो यहाँ तक आएगा, तो ऑब्वियसली वो स्विच बोर्ड नहीं दिखेगा, बट ऊपर वाले स्टोरेज में यहाँ से खाँचा होगा, इफ़ यू कैन इमेजिन, तो यहाँ से खाँचा होगा जहाँ पे स्विच बोर्ड और सामने थोड़ी जगह होगी। तो इफ़ एट ऑल आपको कोई भी अप्लायंस कुछ भी यूज़ करना है तो आप यहाँ से हाथ डाल के उसको स्विच सॉकेट में डाल सकते हैं और पॉइंट स्विच ऑन करके उसको यूज़ कर सकते हैं, बट जब आपको यूज़ नहीं करना है तो क्योंकि वो जो पॉकेट होगा सामने से नहीं दिखेगा, तो इसको स्टोन को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। सो ये हमने सोचा है, वी आर गोइंग टू डू इट वंस इट इज़ डन, एक बार देख लेंगे वो कैसे लग रहा है, एंड जिस पर्पज़ के लिए वो बनाया है, वेदर इट इज़ सर्विंग दैट पर्पज़, वो हम देख लेंगे। यहाँ पर इफ़ यू सी, सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है यहीं पर हमने स्टोन ऊपर तक हम लेके गए हैं। क्यों लेके गए हैं? क्योंकि यहाँ पर जो स्टोरेज है, जो ओवरहेड वाला स्टोरेज है, वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे शेल्फ्स आने वाले हैं जैसे आप 3D में देख सकते हैं। उसके लिए इनिशियली हमने सोचा था कि जो वुडन मटेरियल हमने दिखाया पीछे भी वही देंगे, बट क्योंकि हमारे पास स्टोन था सो वी फेल्ट स्टोन ही ऊपर लेके जाएंगे तो दिखने में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। सो बेसिकली स्टोन का बैकड्रॉप है और उसके आगे जो शेल्फ्स आएंगे वो सारे वुडन के आएंगे, तो इसके लिए उस लेवल तक स्टोन लेके गए हैं। तो ये जो हमने स्टोन क्वांटिटी ऑर्डर की थी उसमें सारा काउंटर जो वर्टिकल है, जो फ्री एजेस है बेसिकली, वो जो ब्रेकफास्ट काउंटर है वो बैक स्प्लैश में यूज़ हुआ है, यहाँ पर इसके बैकड्रॉप में यूज़ हुआ है, और ये वाला जो दरवाज़ा है जो हमने एक एडिशनल उसके लिए एंट्रेंस बनाया है, तो इफ़ यू सी इस दरवाजे में भी फ्रेमवर्क के लिए सेम स्टोन हमने यूज़ किया है, ऊपर भी वही घुमाया है। स्टोरेज यहाँ पर इतना है जितना मैंने एक्सप्लेन किया, और यहाँ पर जैसे ऊपर ये जो स्टोरेज रहेगा जिसमें सिर्फ गीज़र आने वाला है, गीज़र के साथ प्योरीफायर नीचे आएगा, तो वो नहीं है, तो जो थोड़ी जगह बचेगी यहाँ पर GTPT मतलब ग्लास ट्रे, प्लेट ट्रे होता है, वो यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली एक ट्रे होता है जिसके ऊपर आप जो भी बर्तन वगैरह धोते हो वो ऊपर रख सकते हो, तो इसका जो पानी है एक तो उसके ट्रे में गिरता है, तो ट्रे आप यहाँ पे खाली कर सकते हो, या अगर ट्रे नहीं है तो इट डायरेक्टली ड्रिप्स इन द सिंक, तो वो आ जाएगा। और उसके बाद ये जो कॉर्नर है ना, नीचे जैसे इस कॉर्नर में हमने कहा कि एल में हम सिर्फ शेल्फ देने वाले हैं, तो ऊपर वाला जो स्टोरेज है उसका भी ये जो दरवाजे होंगे वो कनेक्टेड होंगे। बेसिकली इफ़ यू ओपन वन डोर तो 2 दरवाजे आप खोलते हो और आपको अंदर सामान रखने के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। एक चीज़ अभी भी बैलेंस है जो यहाँ पे स्टोरेज आने वाला है, सो वो हमने अप्लायंसेस और सब कुछ देख लिया ना। ये जो जगह है यहाँ पर, तो दोनों साइड में ओपनिंग के पैनल्स दिखाएंगे, और क्योंकि हमने सोचा उसमें हम फ्लूटेड ग्लास और मेटल स्ट्रिप से कुछ डिज़ाइन करने वाले, सो वी वॉन्ट द पैनल्स टू बी सीन
तो इसके लिए दोनों साइड में वो पैनल दिखेंगे ना। वो पैनल खत्म होने के बाद जो बची हुई जगह है उसमें दो चीज़ें आने वाली है, एक तो एक टॉल यूनिट आने वाला है और टॉल यूनिट के साथ ही एक क्रॉकरी यूनिट आने वाला है। नाउ क्रॉकरी यूनिट जो है उसके लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरीके से हमने सोचा है वो आएगा और थोड़ा ट्रांसलूसेंट होगा, कम्प्लीटली क्लियर होगा, तो सारी चीज़ें रखना अच्छे से थोड़ा टीडियस हो जाता है, तो उसके लिए शटर्स उसके ट्रांसलूसेंट होंगे। और एक चीज़ है कि यहाँ पर सब जगह पर हमने देख लिया कहाँ पर क्या आने वाला है, पर जो हम हमेशा एक विकर बास्केट के लिए यहाँ पर कहीं पर जगह हमने आइडेंटिफाई नहीं की थी, आलू प्याज आपको जो भी रखना है उसके लिए, सो यहाँ पर जो यूनिट आने वाला है उसको हमने सोचा है कि यहाँ पर इस लेवल में जो टेबल लेवल है वहाँ पर ही हम दो विकर बास्केट्स ऐड कर देंगे, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ के ये डाइनिंग वाला हिस्सा है, सो आई थिंक यहाँ पर इस लेवल पे लेंगे तो आपको हमेशा उसको एक्सेस करने के लिए नीचे झुकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से एक्सेस करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये स्टोरेज बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं हमने सोचा है, ज़्यादा डीप उसको नहीं रखेंगे, 1.5 feet ही रखेंगे ताकि आने जाने के लिए देर इज़ इनफ स्पेस, क्योंकि यहीं से ही सब लोग अंदर आएंगे और डाइनिंग के लिए यही एक्सेस है, तो इसके लिए ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम वी फेल्ट कि डाइनिंग के साइड में क्रॉकरी यूनिट होगा तो आपको सेपरेट कुछ क्रॉकरी रखनी है तो आप आसानी से रख सकते हो, सो दैट्स द पर्पस। और यहाँ का जो यूनिट है वो हम ऊपर तक लेके जाने वाले हैं, तो वो यूनिट जैसे मैंने कहा कि हम डेड स्टोरेज वहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ, एक तो वो दिखने के लिए बहुत हैवी दिखता और उतने डेड स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर क्योंकि ये स्टोरेज बहुत बड़ा नहीं है तो जितना भी उसका हिस्सा है वो हम ऊपर तक लेके जा रहे हैं। सो जो भी बड़े बर्तन वगैरह हैं, कुछ आपको काफ़ी रेयरली लगते हैं, हमेशा नहीं लगते हैं, वो आइटम्स रखने के लिए यहाँ पे जगह है। एंड बिकॉज ये इस वॉल के पीछे है तो लिविंग रूम से एकदम भी उठ के नहीं दिखेगा, इसका कलर भी लाइट है। सो ये सब कुछ हमारा डिस्कस करके हो चुका है, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कोई पर्टिकुलर चीज़ जो आपको आज के वीडियो से बहुत अच्छी लगी हो या कोई चीज़ जो आपने नई सीखी हो आज के वीडियो से उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये पूरी सीरीज़ है, इस पूरे सीरीज़ में जितने वीडियोज़ हमने बताए हैं आई होप आपने सारे वीडियोज़ देखे, अगर नहीं देखे तो यहाँ पर एक कार्ड ऐड कर देंगे, मेक श्योर यू क्लिक ऑन द कार्ड यू सी द वीडियो। अगर आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार है जिनको इंटीरियर डिज़ाइन में इंटरेस्ट है या किचन डिज़ाइन प्रोबेबली वो करना चाहते हैं, सिर्फ किचन वाला हिस्सा रेनोवेट करना चाहते हैं, तो भी उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज साइट पर वीडियो शूट करना थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड साइट पर लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, साइमल्टेनियसली एट अ स्ट्रेच बहुत सारे काम चलते हैं एंड एवरी टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल पीपल कि थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लो, 5 मिनट का ब्रेक लो। सो आज हमने कोशिश की है कि जैसे ही काम चल रहा है हम वैसे ही शूट करते रहे एंड प्रोबेबली विदाउट टेलिंग एनीवन टू कीप क्वाइट। सो आई होप आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा और ऑडियो में भी कोई ग्लिच ना हो, अगर कुछ होगा तो नीचे कमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।